गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हम लोग ऑफिस ऑफ गवर्नर देखेंगे और क्या प्रॉब्लम आती है यानी गवर्नर को कई बार आपने देखा होगा कि एजेंट कह देते हैं सेंटर का या रबर स्टैम्प क्या कह, कह दिया जाता है या फिर और निगेटिव हो जाए तो इनको पपेट कह दिया जाता है है ना कई सारे एग्जाम के क्वेश्चंस में भी इनको पपेट रेफर किया गया तो इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स क्यों आखिर ऑफिस में यूज किए जाते हैं इसके रिगार्डिंग इसका कोई बेसिस है या फिर ये ऐसे ही एलिगेशन लगा हुआ है तो आज हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं आर्टिकल 153 संविधान का क्या कहता है गवर्नर का प्रावधान लाता है देर शैल बी गवर्नर फॉर इच स्टेट हर एक राज्य के लिए गवर्नर होंगे प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट एक व्यक्ति मान लीजिए किसी राज्य के गवर्नर है तो वो दो या दो से अधिक राज्यों के भी गवर्नर हो सकते हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी के भी वो गवर्नर हो सकते हैं आर्टिकल 162 यूनियन टेरिटरी के, के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं लेकिन किसी केस में अगर ये ना हो तो जो रिस्डिक्शन जाता है उस समय स्टेट का खैर वो टेम्पररी बेसिस पर होता है अदरवाइज यूनियन टेरिटरी के लिए ऑलवेज लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ये भी हमको याद रखना चाहिए आर्टिकल टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है 162 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात की जा रही है राज्यों की एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट शाल एक्सटेंड टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉज देखिए स्टेट का लेजिस्लेचर जिस जिस सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है उस सारे सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव पावर किसका है स्टेट का और स्टेट का जितना एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में वेस्टेड है गवर्नर में वेस्टेड है ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 162 में एग्जीक्यूटिव पावर का जिक्र है यानी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जिस जिस मुद्दे पर लॉ बना सकती है वहां स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव पावर उन सारे मैटर्स पर होगा प्रोवाइडेड दैट इन एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड पार्लियामेंट है यानी जो कंकरेंट लिस्ट का मैटर है सब्जेक्ट है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव पावर जो राज्य का होगा शैल बी सब्जेक्ट टू एंड लिमिटेड बाय एग्जीक्यूटिव पावर कन्फोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि यूनियन जो है वहां का लॉ जो होता है वो प्रिवेल कर जाता है यानी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर यूनियन और स्टेट दोनों का एग्जीक्यूटिव पावर होता है लेकिन यूनियन का पावर जो होता है वो स्टेट के ऊपर प्रिवेल करता है तो यही प्रावधान 162 कहता है 153 कहता है हर एक राज्य या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर कॉमन गवर्नर है तो वो भी ठीक है सारे राज्यों के लिए गवर्नर का प्रावधान 153 162 में एग्जीक्यूटिव पावर की चर्चा है अ गवर्नर मस्ट क्राइटेरिया क्या होता है सिटीजन होने चाहिए 35 फाइव ईयर्स एज कम से कम होनी चाहिए नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ये सब क्राइटेरिया है ये आप लोगों को ऐसे भी पता होना चाहिए द टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस नॉर्मली फाइव फाइव ईयर्स होता है पांच साल होता है बट इट कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर अर्सो अब पांच साल से पहले कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को और गवर्नर होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट इनको हटा दें पांच साल से पहले तो हट जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं वो किसके एडवाइस से करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट को जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट वैसे करते हैं of a valid is not अब गवर्नर को अगर हटा रहे हैं और कोई वैलिड रीजन नहीं है तो वो अलाउड नहीं है हाउएवर इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ गवर्नर हुज एक्ट्स आर अपहेल्ड कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मेलाफाइड लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नर ऐसा स्टेट में काम करें जो कि क्या हो जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए और मेला फाइड यानी गलत इंटेंशन के साथ अपने के को कर रहे हैं। और कोर्ट्स ने इस चीज को आप होल्ड कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो ऐसे गवर्नर को हटा दे रेजिग्नेशन बाय द गवर्नर और गवर्नर खुद भी अगर रिजाइन कर देंगे तो पांच साल से पहले हट जाते आर्टिकल <clears throat> 356 याद है आप लोगों को आर्टिकल 356 में क्या है यहाँ प्रेसिडेंट रूल की चर्चा की गई प्रोविजन केस ऑफ फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट है ना क्या क्या प्रावधान है अगर ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आर्टिकल 356 को डिटेल से पढ़ा था लेकिन चूंकि यहां गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग समझ रहे हैं तो फिर ये आर्टिकल का जिक्र आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट जब गवर्... गवर्नर के रिपोर्ट पर ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर है ना इसको अंडरलाइन कीजिए यानी कि राज्य के गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजते हैं और ये रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि फेलियर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में यानी स्टेट की जो सरकार है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही और अदरवाइज आल्सो प्रेसिडेंट बिना किसी ऐसी रिपोर्ट के भी लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन लेकिन <coughs> कई बार प्रेसिडेंट जो एक्ट करते हैं वो किस पर एक्ट करते हैं रिपोर्ट पर एक्ट करते हैं गवर्नर तो यहां पर गवर्नर का ऑफिस जो है वो फिर से हाईलाइट हो जाता है क्यों हाईलाइट हो जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया गवर्नर को मान लीजिए बिहार के केस में प्रेसिडेंट किसी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं बिहार के ये गवर्नर होंगे और बिहार में सपोज कीजिए कि प्रेसिद... केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो और बिहार में बीजेपी की सरकार हो अभी कांग्रेस बीजेपी का क्या रिलेशन है कांग्रेस बीजेपी का ये रिलेशन है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इसी पार्टी के होंगे जिसकी सरकार है और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर कौन अपॉइंट किया गवर्नर को प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया अगर कांग्रेस चाहे कि राज्य में बीजेपी की सरकार को गिराइए यानी कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए तो गवर्नर पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट क्योंकि इनको अपॉइंट किया कांग्रेस की पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये अगर उनके प्रति अपना एलिजेंस करने लगेंगे तो ये गलत रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं तो उस केस में बिहार में बीजेपी की सरकार को सस्पेंड करके प्रेसिडेंट रूल लग सकता है और अगर दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के इसको अप्रूव कर दें आगे जाके असेंबली भी क्या हो सकती है सस्पेंड हो सकती है लेकिन इसमें कई सारा चेक्स एंड बैलेंसेस है कि जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा कोर्ट्स ये देख सकती है कि गवर्नर ने आखिर किस मेटेरियल एविडेंस पर ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजा था उसमें कितना दम था तो अब मैटर जुडिशरी में केस के बाद तो खैर काफी ज्यादा जाता है लेकिन फिर भी ऐसा किया जा सकता है तो ये जो गवर्नर का ऑफिस है ना इनसे गलत रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट तक पहुंच सकता है तो जब ये सही रिपोर्ट भेज रहे हैं तब तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी है ही तब तो कंक्लूसिव एविडेंस मटेरियल है कि राज्य की सरकार सही में संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही लेकिन अगर ऐसा ना हो गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज हो तब देखिए कि आर्टिकल 356 जैसा स्ट्रॉन्ग प्रावधान इफेक्ट में आ सकता है और प्रेसिडेंट स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ चला जाता है प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास चला जाता है

और वो जो व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट किया गया है उसका एलिजेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति ना हो के किसके प्रति हो जाए अपॉइंटिंग पार्टी जिसके जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए लेकिन किसके एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार है। तो व्यक्ति अगर उस सरकार के प्रति अपनी ड्यूटी पूरा करने लगे तो गलत काम भी हो सकता है तो जो मैटर ऑफ है ना कंट्रोवर्सी में मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट इन सेवरल केसेस पॉलिटिशियंस एंड फॉर्मर ब्यूरोलॉजीड गुनाव में हार गए तो भाई चलो इनको अब कहीं सेट करते हैं किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए या कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने अपने सर्विस में किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में बहुत सारा काम किया तो अब भाई रिटायर हो रहे हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा तो उनको गवर्नर बना दिया जाए दिस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड न्यूट्रल सीट एंड हैज रिजल्टेड इन बायस अभी गवर्नर का ऑफिस जब बायस्ड हो जाए मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो होल्ड किया जा रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एलिजेंस नहीं रखता हो बट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो फेवर में काम करे तो फिर उससे आप न्यूट्रल डिसीजन की तो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना वो तो बायस डिसीजन देगा किधर फेवर में रहेगा जो पार्टी उसको अपॉइंट करवा रही उसके फेवर में काम करे <coughs> देखिए सरकारीया कमीशन ने क्या कहा था

मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गवर्नर के रिपोर्ट के बेसिस पर लगाते हैं गवर्नर इनको रिपोर्ट भेज देते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल लेकिन जब ये लग जाता है आर्टिकल तो जैपटाइज हो जाता है यानी फेडरल फ्रेमवर्क क्या कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में जो कि नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं होना चाहिए ये हमेशा कैसे सिचुएशन में होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होना चाहिए क्योंकि ये एक एक्सट्रडीनरी स्टेप जो कि हमेशा अब जैसे एक छोटा सा पैरल एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे कोविड जब कोविड आया तब हमने सुना कि अरे पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है इससे पहले तो कभी चर्चा नहीं हुई थी कि एयरवेज रेलवेज रोडवेज ऑफिस कॉलेज स्कूल सब बंद हो जाए क्यों क्यों इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया गया आप इसको रिलेट करके देखिए इसलिए लिया गया क्योंकि ये पैंडेमिक है अगर इसको कंटेन नहीं किया जाएगा तो फैटैलिटी रेट बहुत बढ़ जाएगी मृत्यु दर बढ़ेगा देश में मौतें होंगी तो इसके लिए एक्सट्रीम स्टेप लिया गया लेकिन मान लीजिए सब कुछ सही है अभी कोविड जैसा प्रॉब्लम नहीं है और किसी दिन आके प्राइम मिनिस्टर कहे कि कल से लॉकडाउन लगाते हैं हम दो महीने के लिए तो फिर ये बैकलैश होगा लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कोई सिचुएशन अभी नहीं है जिसमें इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए तो ये एग्जाम्पल से आप समझिए कि 356 अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन और अगर नॉर्मल सिचुएशन में ये लग रहा है तो संविधान के स्ट्रक्चर को ये चेंज कर दे रहा है फेडरल से यूनिटरी में कन्वर्ट हो जा रहा है और अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है वैलिड रीजन तो इसका क्या हो गया Abuse हो गया और इसको ना ऐसे ही थोड़ी डेड लेटर का हाथ, कि शाल लेटर कि इट रिमेन कब इसमें जान फूकी जाएगी जब एक्स्ट्रोर्डिनरी सिचुएशन होगा यानी राज्य की सरकार संविधान से छेड़छाड़ करे और संविधान के प्रावधानों को फॉलो ना करे लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर का मिसयूज होता है

<laughs> अब देखिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट पर क्या कह रही है सरकार कमीशन कई सारे एडिशनल क्राइटेरिया दे अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट डोमिनेंट पार्टी शुड नॉट बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ए स्टेट यानी कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का कोई राजनेता जो है उसको गवर्नर मत बनाइए आप किसी राज्य का जहां पर कि दूसरी पार्टी रूल कर रही है यानी किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के किसी पॉलिटिशियन को वहां गवर्नर बना के मत भेजिए और अ क्वालिशन ऑफ पार्टीज एंड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन क्वेश्चन द गवर्नर मस्ट बी नॉमिनेटेड और जब भी गवर्नर को नॉमिनेट कर रहे हैं आप तो कंसल्ट किसको कीजिए कि चीफ मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर के साथ अगर गवर्नर का डिस्प्यूट चलते रहेगा तो राज्य में सरकार कैसे चलेगी यानी गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर से नाराज होकर रिपोर्ट भेज देंगे प्रेसिडेंट को कि चीफ मिनिस्टर कोई बात नहीं सुन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है लगा दीजिए आर्टिकल 356 तो ये भी गलत हो जाएगा द कमीशन ऑल्सो प्रोवाइडेड आर द पर्सन सो नॉमिनेटेड यानी कि जिसको गवर्नर आप नॉमिनेट करेंगे शुड बी अ वेल नोन फिगर इन सम फील्ड and should come from outside the state and be a distant figure who is not too involved in the local politics of the state <coughs> जिस राज्य के लिए गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं वो व्यक्ति उस राज्य का ना हो किसी दूसरे राज्य का हो और वो वहां के लोकल पॉलिटिक्स में ना रहा हो additionally that person should not be involved in politics in the past और पास्ट में भी वो पॉलिटिक्स में ना रहे हो एक्टिव स्पेशली इन द रीसेंट पास्ट नहीं कि अभी जैसे यूपी में चुनाव हो रहा है यूपी के चुनाव में कोई दिग्गज नेता हो बीजेपी का जो हार जाए अपनी सीट से तो उसको कहाँ सेट कर रहे हैं किसी राज्य में उसको गवर्नर बना के भेज दो तो ये सरकारिया कमीशन कह रही है कि रिसेंट पास्ट में भी वो चुनाव में एक्टिव ना रहा यानी पिछले किसी लोकसभा का चुनाव किसी राज्यसभा के सीट से चुनाव या किसी राज्य में असेंबली का चुनाव ना लड़ा हो द कमीशन ऑल्सो टुक द माइनॉरिटी ग्रुप और माइनॉरिटी से भी आए तो उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो uh, किसी राज्य का गवर्नर बने माइनॉरिटी आफ्टर द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद जो गवर्नर का टर्म होना चाहिए वो एश्योर्ड होना चाहिए एस दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस देयर आर एक्सेप्शनली कंपेलिंग ग्राउंड और इफ डिसिप्लिनरी एक्शन गवर्नर देवनेबल अपॉर्चुनिटी टू डेमोस्ट्रेटर गवर्नर अपने क्योंकि ये ऑफिस होल्ड करता है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चाहे तो इनको बीस में ही हटा सकते लेकिन यहाँ पे सरकारिया कमीशन कह रही है कि इनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपनी बातों को रख सके अगेंस्ट द ग्राउंड फॉर द रिमूवल मान लीजिए कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इश्यू कर दे कि इनको हटाते हैं तो इनके भी बात को सुनना चाहिए कि क्या गवर्नर को हटाया गया वो विम्स एंड फ्रांसिस प्रेसिडेंट का था या किसी वैलिड रीजन पर हटाया गया इफ द गवर्नर इज टर्मिनेटेड और रिजाइन द गवर्नमेंट शुड प्रेजेंट स्टेटमेंट

तो फिर इनको फर्दर <coughs> प्रेसिडेंट के ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर के पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए द कमीशन एडेड दैट द गवर्नर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द सेंटर इसको मार्क कीजिएगा गवर्नर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द सेंटर जस्ट बिकॉज दे प्रिपेयर अ रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स दू सो बिकॉज दे स्वेयर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ

उसको मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए यही चीज यहां पे लिखा गया है द जॉब ऑफ द गवर्नर इज टू मेक श्योर दैट अ गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशड एंड नॉट टू स्ट्राइव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट दैट विल फॉलो पॉलिसीज दैट दे अप्रूव जोर तोड़ की सरकार बनाने का काम गवर्नर का नहीं है गवर्नर का काम है कि जो भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट वोट लेके आई है या कॉम्बिनेशन में लेके आई है उसको आप मौका दीजिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन का द रिकमेंडेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म ऑफ इनवाइटिंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द केस ऑफ अ डिवाइडेड मैंडेट इज आल्सो सपोर्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ बिहार पंची कमीशन की रिपोर्ट भी गवर्नर के ऑफिस पर है क्या कहते हैं द इनकमेंट यानी जो अभी हैं कुर्सी पर बने हुए गवर्नर शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स इवन एट द लोकल लेवल मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए दो साल तक पिछले दो साल तक गवर्नर अगर अपॉइंट होने जा रहे द स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से स्टेट चीफ मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि गवर्नर किसको अपॉइंट होना चाहिए देर शुड बी अ कमिटी इंटरेस्टेड और एक कमिटी रेकमेंड करे गवर्नर के अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन हो प्राइम मिनिस्टर हो होम मिनिस्टर हो स्पीकर लोकसभा के और <coughs> जिस राज्य में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है वहां के चीफ मिनिस्टर हो वाइस प्रेसिडेंट को भी इस कमेटी में इंक्लूड किया जा सकता है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड इसको हटा दीजिए

कैसे हटाया जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू वैसे ही इम्पीचमेंट का प्रावधान किसके लिए होना चाहिए गवर्नर का भी होना चाहिए क्योंकि तो जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट वैसे ही राज्य के केस में गवर्नर होते है। तो ये दोनों कमीशन के पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा एसआर बुम्बई के जजमेंट ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा सा आंसर देखिए आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स ऑफ आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स और गवर्नर के ऑफिस ये तीनों बहुत रिलेटेड चीजें जिस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो इसको प्रमोट कर सकता है और इसके प्रावधान जो डेड लेटर होने चाहिए थे उसका होता है तो ये तीनों चीज रिलेटेड है आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए थैंक यू